अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिक्स क्लास के नेक्स्ट एम सी क्यू सॉल्व करते हैं। पहले हम इसके कुछ डेफिनेशंस कर लेंगे, उसके बाद एम सी क्यूज़ करेंगे। यह लास्ट चैप्टर है सिक्स क्लास का, उसके बाद सेवन क्लास के एम सी क्यू स्टार्ट करेंगे। पहला कहता है कि पहले डेफिनेशन किस चीज़ के लिखी हुई है, क्यूब की, क्यूब बाइट की। अच्छा, पहले डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि दोनों को कंपेयर करके चलते चलेंगे। कहते हैं कि ये सिक्स साइडेड फिगर होती है। क्यूबॉइड क्या होती है? सिक्स साइडेड एक फिगर होती है। इसकी छह साइड होते हैं और इसके फेस कितने होते हैं? सिक्स सिक्स फेसेस होते हैं और इसके वर्टिक्स एट होते हैं। इसका एरिया फाइंड किया जाता है सिक्स ए का स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है ए का क्यूब। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रख लेनी है। अच्छा, क्यूबॉइड भी सिक्स साइडेड फिगर होती है, इसके भी सिक्स फेस होते हैं, 12 एज होते हैं, इसके भी 12 एज थे और इसके वर्टिक्स भी 8 हैं, उसके भी वर्टिक्स 8 थे। दोनों में कंपेयर करते चलते जाना। इसका एरिया फाइंड करने का डिफरेंट है फार्मूला थोड़ा। इसका फार्मूला उसका तो जस्ट वो लिखा हुआ था कि सिक्स ए का स्क्वायर तो उसका एरिया फाइंड हो जाता है क्यूब का। इसका लिखा हुआ है कि टू और दोनों को सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ। उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई कर देना तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये दोनों के अंदर कंपैरिजन भी था और ये इसका कंपैरिजन सिक्स फेस सिक्स साइड फिगर होती है, ये भी सिक्स साइड फिगर होती है। इसके एच भी 12 हैं, इसके एच भी 12 हैं, इसके वर्टिक्स 8 हैं, इसके भी वर्टिक्स 8 हैं। इसका जस्ट ये इस एरिया फाइंड करने के लिए सिक्स ए का स्क्वायर किया जाता है और इसका क्यूब फाइंड करने के लिए ए का क्यूब किया जाता है। नेक्स्ट, और इसको भी क्यूब ही होता है, मतलब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्यूब बन जाता है। नेक्स्ट एम सी क्यूज़ करते हैं। पहले एम सी क्यूज़ में कहते हैं कि ट्राइंगल्स लाइज, ट्राइंगल्स के कितने डायमेंशंस होते हैं? दो। फिगर जो प्लेन के अंदर लाई कर रही होती है उसके भी दो डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड की तीन थ्री डी फिगर्स होती है वो। नेक्स्ट कहते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्यूब का ए सिक्स ए का स्क्वायर होता है और इसका वॉल्यूम होता है ए का क्यूब। ये सरफेस एरिया पूछा हुआ है और इधर पूछा हुआ वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ फेसेस, इसके कितनी फेसेस होते हैं? सिक्स फेसेस होते हैं किसके? क्यूब के। हाउ मेनी एज ऑफ द क्यूब, क्यूब के एज कितने थे? 12 थे, दोनों के एज वर्टिक्स ये सेम थे। कहते हैं कि हाउ मेनी वर्टिक्स ऑफ द क्यूब, आइट क्यूब एड के वर्टिक्स 8 हैं और क्यूब के भी वर्टिक्स 8 ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि वॉल्यूम फाइंड करें किसका? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए तीनों ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अ राउंड सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड द शेप। सिलेंडर हैज़ अ टू एच, सिलेंडर के कितने एच होते हैं? टू एच होते हैं। हाउ मैनी सर्कुलर फेसेस ऑफ द कौन, कौन के कितने फेस होते हैं? वन, ओनली वन फेस होता है कौन का, और सिलेंडर के कितने होते हैं? टू होते हैं, कि याद रख लेना। नेक्स्ट कहते हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करें ऑफ अ साइड 3 सेंटीमीटर। हमने किसका सरफेस एरिया फाइंड करना है? क्यूब का, और उसको साइड कितनी है? अब ये देखिए, क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला था, अब इसके अंदर पुट कर दो, ये बन जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 बन जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला यही था, ए का स्क्वायर 6 ए का स्क्वायर, ए की जगह पे 3 को पुट कर देना इसके अंदर। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल रूम ऑफ साइड 12। अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ए को मल्टीप्लाई करते रहना 3 बार। तो इधर हमने एक ही जगह 12 रख लेना है, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट कहते हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फार्मूला गिवन है। अच्छा, इसका फार्मूला पीछे लिखा हुआ था, ये देखेंगे वाला, जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, जो 3 वैल्यू गिवन है ना इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, वह आंसर ये था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनके अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है ए बी सी को रख के।
नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या कहता है कि कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हु इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर रिस्पेक्टली। मतलब इसमें तीनों चीज़ें गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ए का क्यूब। अब इधर 3 चीज़ें क्या हैं, 7, 4 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा 224। तो सब वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज। कहता है कि द साइड ऑफ द क्यूबिकल पोल इज, पोल की साइड है 5 और फाइंड करेंगे वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम के लिए यही होगा कि ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो इधर 5 है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट कहता है क्या, रेक्टेंगुलर रूम, एक रेक्टेंगुलर रूम है उसका क्या गिवन है, 4.5 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर। अब इसकी तीनों चीज़ें गिवन है, 4.5 मीटर लंबा है, 3.5 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर गहरा है, ठीक है। और इसका हमने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब इस एरिया का फार्मूला होता है, पहले मैं फार्मूला लिख देती हूँ कि 2 × a b के साथ मल्टीप्लाई प्लस bc के साथ मल्टीप्लाई प्लस फिर ca के साथ मल्टीप्लाई हो और आपस बाहर ये गिवन हो। अब हम इनके अंदर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं कि क्या आंसर आता है वैल्यू पुट करने से। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, इसको देखते हैं कि आंसर क्या आता है। हम करते हैं कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 और फिर ऐड करना है, फिर लिखना है 3.5 मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, फिर ऐड करना है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है 4.5 के साथ, आंसर क्या आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, आंसर ही देखें आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट करते हैं, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 600 सेंटीमीटर। अब इधर वॉल्यूम गिवन है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है कि वॉल्यूम गिवन 6, ओके। और उसकी बेस गिवन है 20, फाइंड द उसकी गहराई फाइंड करनी है। अब ये देखें, मैंने पुट किया हुआ आंसर निकाला हुआ, इधर से ही देख लें कि वी इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई करना है डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू की जगह और वी की जगह वैल्यू पुट करके 60 को 20 से कैंसिल आउट किया हुआ, 6 × 2 = 3, तो आंसर आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हु इज़ वन साइड इज, सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, क्यूब का, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और एक का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। अब ए की इधर वैल्यू क्या है, 5, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। अब इसको नेक्स्ट करते हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इफ़ द लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है कि एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और एरिया फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला क्या था, इसका भी एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का इसका यही फार्मूला है, 2 × a b + b c + c a, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, और इसकी जगह तीनों की वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हु इज साइड इज 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये इजी इजी से क्वेश्चन थे, वैल्यू जस्ट उसके अंदर पुट करके फार्मूले के अंदर से आंसर निकाल लेना, तो आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, 1-2 बार ये क्वेश्चन कर लेनी है लास्ट में। इंशाल्लाह ताला कल हम 7th क्लास स्टार्ट करेंगे।